मुजफ्फरपुर के सदर अस्पताल में मरीजों को इलाज के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सोमवार से सदर अस्पताल में दो पालियों में आउटडोर सेवा की शुरुआत की गई है। सिविल सर्जन डॉक्टर यूसी शर्मा ने बताया कि कोई मरीज सुबह की पाली में आता है और उसे पैथोलॉजी जांच लिखी जाती है तो उसको परेशान नहीं होना होगा, दूसरी पाली में रिपोर्ट लेकर दवा लेकर घर जा सकते हैं। साथ ही कहा पैथोलॉजी एक्सरे व अल्ट्रासाउंड सेंटर को काम में तेजी लानी होगी। जांच रिपोर्ट समय पर नहीं आएगी तो लापरवाह कर्मी पर कार्रवाई होगी। सुबह की पाली 9 से दोपहर 2 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 3 से शाम 5 बजे तक होगी। अब सुबह में 9 से लेकर के 2 बजे तक और 3 से लेकर के 5 तक ये चलेगा जारे के दिन में, और 9 से लेकर करके 2 बजे तक और 4 से लेकर के 6 बजे तक चलेगा गर्मी के दिन में। दोनों पाली में आउटडोर की सेवा सभी को मिलेगी, उसी हिसाब से रजिस्ट्रेशन काउंटर भी चलेगा और जो भी जांच पड़ताल का जो भी सुविधा है वो दोनों पाली के हिसाब से उपलब्ध कराएंगे। दवा मिलेगी, जाँच होगा और सबको सुविधा दी जाएगी। डॉक्टर की से डॉक्टर भी रहेंगे, डॉक्टर क्यों नहीं रहेंगे। एक डॉक्टर को 8 घंटा कम से कम एक शिफ्ट में काम करना है, एक दिन में करना है, तो दोनों मिलाकर के 8 घंटा से कम ही हो रहा है। ओपीडी का पीरियड क्यों नहीं हो।